हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी महीने की महत्वपूर्ण माइनिंग से संबंधित न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले ECL और WCL एग्जामिनेशन में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक सीक्वेंस वाइज ECL की माइनिंग सदार की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अपने ऐप माइंड टेक्निकल पर एक नया कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको ECL के लिए लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसकी PDF के लिए, इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज़ आ रही है फ्रॉम BCCL। BCCL के नए डायरेक्टर टेक्निकल श्री एस के सिंह जी को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, यह है पिक्चर्स। श्री एस के सिंह जी को नया डायरेक्टर टेक्निकल बनाया गया है ऑफ BCCL। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड को मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कोलकाता द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सेलेंस अवार्ड समारोह में कंपनी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम NCL। NCL में मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना अंकुर के तहत NCL में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। NCL के CMD सहित फंक्शनल डायरेक्टर्स इस योजना के तहत NCL मुख्यालय में कई सारे पौधे लगाए हैं। अंकुर परियोजना के तहत कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स द्वारा अधिकतम वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करते हुए NCL अपने सभी क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित कर रहा है। चलिए अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम CCL। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। CCL ने जोनल रेस्क्यू कंपटीशन आयोजित किया। इसमें CCL के विभिन्न क्षेत्रों की टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और खान सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित की। इस प्रतियोगिता में NK एरिया विजेता के रूप में उभरा, जबकि अरगड्डा एरिया दूसरे स्थान पर रहा। अगली न्यूज आ रही है फ्रॉम GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 4 मार्च 2022 को GSI ने अपने सभी कार्यालयों में अपना 172वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर GSI के महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह घरकल ने केंद्रीय मुख्यालय कोलकाता में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक फरवरी महीने की सभी इंपॉर्टेंट माइनिंग न्यूज। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में कोई भी थॉट है या फिर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।